पति पत्नी दिल झूले की ये कहानी। जवान लड़का और लड़की के प्यार में पड़ने के बाद शादी हो गई। इस लव स्टोरी में दोनों की समाज या उनके परिवार द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली गई या दोनों का कोई विरोध नहीं किया गया। तो क्या ये एक हैप्पी स्टोरी थी? हम पहले पूरी कहानी जान लेते हैं, बाद में ये तय करेंगे। लड़का गरीब था और उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी। लड़की भी कोई अमीरों के खानदान से नहीं थी, फिर भी लड़के से थोड़ी अच्छी आर्थिक परिस्थितियों वाले परिवार से ताल्लुक रखती थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के लिए परिस्थितियां कठिन होती जा रही थी। पति बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करने लायक पैसे कमा पाता था। पत्नी भी परिस्थितियों को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो कोई ऐसी डिमांड बिल्कुल नहीं करती थी जिससे उनका खर्च बढ़े। एक दिन सुबह सुबह पत्नी ने अपने पति से कहा, देखिए जी, मेरी हेयर क्लिप टूट गई है, अगर हो सके तो एक नई खरीद कर ला कर दीजिए, क्योंकि मेरे बाल काफी लंबे हैं और बिना क्लिप के उन्हें संभालना काफी कठिन हो जाता है। पति पहले तो चंद सेकंड तक कुछ नहीं भी बोल पाया, फिर उसने पत्नी से कहा, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम फिलहाल हमारी जो कंडीशन है उससे भली भांति परिचित हो। देखो, मेरे हाथ की घड़ी कई महीनों से बंद पड़ी है, मैं उसे भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। अब तुम ही सोचो मैं तुम्हारे लिए नई क्लिप कैसे खरीदूंगा। पति अपने काम के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन वो यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था और ऐसी वस्तु मांगी थी जो उसे खुद ही अपनी पत्नी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, यानी कि बालों का रख रखाव करने की वस्तु। पति को उसकी पत्नी के सुंदर घने बाल बहुत पसंद थे और वो उसे क्लिप लाकर देने के बजाय उसे अपनी मजबूरियां गिनाकर आया। दूसरी तरफ पत्नी को भी काफी अफसोस हुआ। वो सोचने लगी कि वो तो अच्छे से जानती थी कि उसका पति कितनी कठिनाई से खाने पीने के लिए पैसे कमा पा रहा है, उसको नई क्लिप के लिए नहीं कहना चाहिए था। शाम को पति घर पर लौटा तो उसके हाथ में एक नई क्लिप थी। उसने खुशी से अपनी पत्नी को आवाज लगाई। जैसे ही पत्नी उसके सामने आई तो उसे पत्नी में कुछ बदलाव नजर आया। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी के लंबे लंबे घने बाल अब छोटे हो चुके थे। पति ने बालों में लगाने वाली क्लिप अपनी पत्नी के हाथों में देते हुए पूछा, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? मैं तुम्हारे लिए एक नई क्लिप लेकर आया हूँ। पत्नी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई नई घड़ी पति के हाथ में पहनाते हुए कहा कि अब मुझे इस क्लिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लंबे बाल काट कर उन्हें बेच दिया है और उनसे जो पैसे आए उनसे मैंने आपके लिए घड़ी खरीद ली। पत्नी की बात सुनकर पति की आंखों से आंसू निकल आए। पत्नी ने पति के आंसू पोंछते हुए कहा कि आप ये क्लिप के लिए पैसे कहाँ से लाए? पति ने कहा कि मेरी जो बंद घड़ी थी उसे तो मैं रिपेयर करवा नहीं पा रहा था और तुम्हारे लिए मुझे क्लिप लेनी थी, तो मैंने उसे बंद घड़ी को कुछ रुपयों में एक घड़ी वाले को बेच दी और उन पैसों से तुम्हारे लिए क्लिप खरीद लाया। इस बार पत्नी की आंखें छलक आई, क्योंकि वो जानती थी उसका पति बंद घड़ी को भी इसलिए पहने रखता था क्योंकि वो घड़ी उसे बहुत ज्यादा प्यारी थी और इतनी प्यारी चीज उसने अपनी पत्नी के लिए बेच दी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।